क्रोनिक किडनी डिजीज यानी किडनी से रिलेटेड पुरानी समस्या जिसमें किडनी ठीक से कार्य नहीं कर पा रही हो, उस कंडीशन में नेफ्रोसेव 4 टैबलेट का यूज किया जा सकता है। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मेडिको हेल्प में, जहां आप पाते हैं मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आज हम जानेंगे नेफ्रोसेव 4 टैबलेट के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चर की जाती है फोर्टस इंडिया लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। नेफ्रोसेव 4 टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट या साल्ट कॉम्पोजिशन के तौर पर एसिटाइलसिस्टीन व पाइरिडॉक्सामिन पाई जाती है। वीडियो में आगे हम जानेंगे नेफ्रोसेव 4 टैबलेट के यूजेस, कैसे ये टैबलेट कार्य करती है, इसको लेने के बाद होने वाले पॉसिबल साइड इफेक्ट, इसकी डोज क्या रहती है। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक पूरी जानकारी के लिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो शुरू करते हैं। नेफ्रोसेव 4 टैबलेट में एसिटाइलसिस्टीन 300 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, जो कि म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, व पाइरिडॉक्सामाइन जो कि 50 mg की स्ट्रेंथ में यो विटामिन B6 होता है, यह पाया जाता है। नेफ्रोसेव 4 टैबलेट के यूज़ ओनली फिजिशियन की परमिशन पर ही किया जाना चाहिए। इसका सेल्फ यूज़ हार्मफुल भी हो सकता है। अब जानते हैं नेफ्रोसेव 4 टैबलेट के यूज़ को। तो नेफ्रोसेव 4 टैबलेट का यूज़ CKD यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ में किया जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में लंबे समय से किडनी में आ रही प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। क्रोनिक किडनी डिजीज़ धीरे धीरे बढ़ता है व टाइम पर ट्रीटमेंट न लेने पर यह परमानेंट डिजीज़ भी हो सकती है। CKD के दौरान बार बार यूरिनेशन यानी पेशाब करने की फीलिंग्स आती हैं, जो कि लगातार आती रहती हैं, और यह ज़्यादातर नाइट्स में देखी जा सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग जैसी समस्या भी इस दौरान देखी जा सकती है, जो कि यूरिन के साथ हो सकती है। तो CKD का यूज़ या CKD के ट्रीटमेंट में नेफ्रोसेव 4 टैबलेट का यूज़ किया जा सकता है। नेफ्रोसेव 4 टैबलेट में मौजूद एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोलाइटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। यह बॉडी में टिश्यू को सुरक्षा प्रदान करता है, व पाइरिडॉक्सामाइन विटामिन B6 है, जो कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ यानी डायबिटिक की वजह से जिन लोगों में किडनी की समस्या रहती है उनमें CKD के प्रोसेस को स्लो करता है, और इस प्रकार नेफ्रोसेव टैबलेट अपना कार्य करती है। नेफ्रोसेव टैबलेट यूज़ करने के बाद नोजिया, वोमिटिंग व पेट दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नेफ्रोसेव टैबलेट की डोज की बात करें तो पर डे 1 से 2 टैबलेट आफ्टर फूड यानी खाना खाने के बाद ली जा सकती हैं। इस दौरान डॉक्टर की सलाह लेना भी ज़रूरी होता है। तो ये थी आज की वीडियो नेफ्रोसेव 4 टैबलेट के बारे में, जिसमें हमने उसके कंपोजिशन यूज़ जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ व डायबिटिक किडनी डिजीज़ को स्लो करने में होता है, व हमने जाने इसके साइड इफ़ेक्ट, इसकी डोज, कब इसको लिया जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेडिकल तथा मेडिसिन से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।